खबर कांकेर से, जहां परलकोट क्षेत्र भारतीय डाक विभाग देश में सबसे बड़े संचार माध्यम के लिए जाना जाता है, लेकिन डाक विभाग में आज 70 साल बाद भी ना तो तारीख छाप दंड बदला है और ना ही इस विभाग के शाखा डाक कर्मचारियों की तकदीरें। भारतीय डाक विभाग ने दूर दराज गाँव को मुख्य संचार धारा से जोड़ने वाले ग्रामीण शाखा डाकघरों और कार्यरत शाखा डाक वालों, शाखा डाक वाहकों और डाक वितरकों की स्थिति बेहद दयनीय बनी है। डाक विभाग द्वारा अब तक शाखा डाकघरों को ना तो विभागीय कार्यालय का दर्जा मिला है और न ही इसमें अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। कर्मियों को कर्मचारी का दर्जा, बहरहाल डाक सेवकों को 70 साल बाद भी अपनी विभागीय पहचान नहीं मिल पाई। पोस्ट विभाग में कितने सालों से कार्य कर रहे हैं? 9 सालों से कार्यरत। पहले आपका वेतन क्या था और आज क्या वेतन है? पहले वेतन 2900 था, अभी 7000 हुआ है। 7000 से आपके परिवार की पूरी भरण पोषण हो पाती है? नहीं होती है। आपने जो कार्य कर रहे पोस्ट का, इस आपके घर में ही लगा के कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सरकार मकान तो नहीं दी, ऑफिस ऑफिस नहीं दी, नहीं दिए। क्या मांग करते हैं? ऑफिस ऑफिस सब सुविधा आपको प्रदान करें। हाँ। आपका नाम? मलीना सरकार। आप इस डाक विभाग में कितना सालों से कार्य कर रहे हैं? 38 साल से, 1978 से लगातार मैं ये विभाग में कार्यरत हूँ। तब आपका वेतन क्या था? उस समय 96 रुपीस था हमारा वेतन। आज की स्थिति में क्या है? आज की स्थिति में महंगाई भत्ता वगैरह देकर 10,200 रुपया। आप गांव गांव में डाक यार चिट्ठी बांटते हैं, क्या क्या तकलीफ से आपको सामना करना पड़ रहा है? लोदी नाला और दूर दूर गांव का जो डाकघर का जो रूट है, रूट 10-12 किलोमीटर दूर भी छोटे छोटे गांव में हमें पत्र वितरण के लिए जाना पड़ता है। अभी देखा गया आपने एक चिट्ठी बांटे हैं जो खाली अवस्था में था, बैग वगैरह भी नहीं है, क्या वजह क्या है इस तरह से खुला चिट्ठी वगैरह आप ले आते हैं? चिट्ठी शासन द्वारा हमें ऐसा कोई व्यवस्था नहीं रखा है कि हमारे डाक वितरण के लिए डाक थैला देते नहीं। और डाक जो कार्यालय है आप अपने घर में ही लगा रहे हैं? आप अपने घर में ही लगा रहा हूँ। क्या विभाग की ओर से किसी प्रकार का भवन कार्यालय नहीं दिया है? नहीं, कार्यालय नहीं दिया। शाखा डाकपालों का निजी निवास पर ही डाक घर खुले है पहले से। और विभाग आपको अपना कर्मचारी मानता है? नहीं मानते हैं। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि हमें भी रेगुलर करें, हमें भी विभागीय सारी सुविधा हमें मिलना चाहिए। डाक विभाग में आप कब से कार्यरत हैं? पिछले 4 सालों से मैं डाक विभाग में कार्यरत हूँ। क्या क्या समस्याओं का सामना कर आप इस विभाग में कार्यरत? सबसे बड़ी समस्या इस विभाग में मानदेय का है, जो पिछले 70 सालों में यहाँ का मानदेय ना के बराबर ही बढ़ा है। बाकी विभागों की तुलना में यहाँ के विभागीय कर्मचारियों का विभाग के द्वारा बेहद शोषण हो रहा है। साथ इनको कोई भी सुविधाएं नहीं प्राप्त होती है, जैसे मेडिकल वगैरह हो या फिर आपका यात्रा भत्ता वगैरह हो, तो कुछ भी इनको प्राप्त नहीं होता है। और यूं तो कहने के लिए ग्रामीण डाक विभाग भारत सरकार के लिए संचार का सबसे बड़ा माध्यम है। जिन क्षेत्रों में मोबाइल की घंटी तक नहीं बजती, जहां लोगों की पहुंच तक नहीं हो पाती, वहां पर नदी नाले पहाड़ पर्वत पार करके ग्रामीण डाक सेवक अपनी सेवा दे रहे हैं, और ये एकमात्र संचार का माध्यम है ऐसे बिहार क्षेत्रों के लिए। बावजूद इसके विभाग द्वारा इनको अभी तक अपना अंग तक नहीं माना गया है, जिस कारण लगातार ये जो है वो अनदेखी का दंश झेल रहे हैं। हाँ, देखा गया है आप लोग अपने ही घर पर निवास स्थान में ही डाक विभाग का कार्य कर रहे हैं, ऐसा क्यों? जी, डाक विभाग द्वारा सुविधा के नाम पर ना कार्यालय उपलब्ध करवाई गई है, ना कोई उपकरण उपलब्ध करवाई गई है। सिर्फ एक अलमारी के भरोसे पूरा डाक विभाग अभी चल रहा है, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में है। क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमारे मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाए, साथ ही हमको विभाग में शामिल किया जाए, और विभागीय जो भी सुविधाएं अन्य कर्मचारियों को मिलती है वो भी हमें मिले, ताकि हम अपने बच्चों का भरण पोषण ठीक से कर पाए, उनको अच्छी शिक्षा दे पाए। और हमने इस मांग को लेकर कई बार सरकार से आंदोलन के माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से अपनी मांग रखी है, परंतु उनके लिए हमारा आंदोलन महज एक मजाक के अलावा कुछ नहीं होता। उनके द्वारा बस आश्वासन की पुड़िया खोल दी जाती है, बाद में उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपका परिचय? राजेश हालदार, शाखा डाकपाल, टेकामेटा। विभाग में आप कब से कार्य कर रहे हैं? 1983।
तब आपका वेतन क्या था? उस समय मेरा वेतन 666 रूपए। अभी की स्थिति में? अभी की स्थिति में 10,900। तो ये 10,900 में आपके पूरे परिवार का भरण पोषण हो पाती है? इसमें किसी भी परिवार का भरण पोषण नहीं होता है। कितने सदस्यों के भरण पोषण की जिम्मेदारी है आपके ऊपर? मेरे ऊपर 7 सदस्यों का भरण पोषण का जिम्मेदारी। किन परिस्थितियों को में आप सामना करके आपको इस डाक विभाग में कार्य करना पड़ा? क्या क्या समस्या आती है आपको कार्य करने में? समस्या आती है आपको? समस्या आती है कि बरसात में एक सत्य देते हैं, उसमें ना तो वो चिट्ठी पत्रों को हम सुरक्षित रख सकते हैं या खुद सुरक्षित हो पाते हैं। ऐसा देखा गया है, आप जिस भवन में कार्य कर रहे हैं वो आपका निजी भवन होती है, विभाग द्वारा किसी प्रकार के कोई कार्यालय आपको उपलब्ध नहीं कराते हैं, ऐसा क्यों? आज तक नहीं कराया है। वो शाखा ग्रामीण क्षेत्र में जो शाखा डाकघर है, वो शाखा डाकपाल जो है उनके जिम्मेदारी पे ही वो डाकघर खोला जाता है। विभाग आपको अपना कर्मचारी मानता है? नहीं मानते है। ऐसा कि विभागीय कर्मचारी जैसे हमको छुट्टी नहीं मिलता है, कोई सुविधा ही नहीं मिलता है। क्या मांग है आपकी? मांग है विभाग के बराबर हमें सब कुछ मिले, और जो वेतन हमें दे रहा है उसका वृद्धि करे, कोई भी परिवार चलने लाए। आपका नाम? शुक्राचार्य। क्या इस जंगल गांव में संचार का क्या सुविधा है? हमारे यहाँ संचार का सुविधा बहुत कम है। संचार का आदान प्रदान सिर्फ डाक विभाग के द्वारा ही होता है। हमें अगर खबर पहुंचाना होता है तो इंटरनेट या नेटवर्क का कोई सुविधा नहीं है, इसलिए हमें डाक के माध्यम से खबर पहुंचाना होता है। डाक विभाग के लोग यहाँ चिट्ठी वगैरह बांटने आते हैं? हाँ आते हैं। आपको समाचार मिल जाता है दूर के रिश्तेदारों से? हाँ, वही थोड़ा लेट से ही होता है लेकिन मिल जाता है। नाम का? नाम है देव प्रसाद हल्दार।